हेलो एवरीवन, आई एम पूजा सोनी। वेलकम टू पूजास कैसल। तो मैं एक बार फिर से आपके लिए लेके आई हूँ एक हेयर एक्सेसरी। और अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको पता ही है कि ये बनाना कितना आसान है। तो ये वाली हेयर एक्सेसरी, जो भी आप बैक हेयर स्टाइल बनाते हो या फिर बन बनाते हो, उसमें आपको बहुत अच्छी लगेगी। पर्ल्स के साइज़ आप डिफरेंट डिफरेंट रख सकते हो, डिफरेंट कलर के बीड्स यूज़ कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, जो भी आपकी चॉइस हो। मैंने यहाँ पर वाइट पर्ल्स के साथ में पिंक बीट्स यूज़ किए हैं। पहले जो हम बनाते थे उसमें हम केवल एक पर्ल का यूज़ करके ट्विस्ट करते थे, यहाँ पर हमें एक फ्लावर का शेप देना है। तो हमने यहाँ पर पांच पांच पर्ल्स और बीट्स यूज़ किए हैं। और इसके लिए आपको चाहिए ये आसानी से ट्विस्ट हो जाने वाले वायर्स। ये ऑनलाइन ऑफलाइन आपको मिल जाएंगे ईज़िली। अगर ऑफलाइन मिल जाए तो अच्छी बात है, और अगर ऑनलाइन लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, इसमें भी दो तीन कलर्स आते हैं, तो आप उनमें से जो भी आपको चाहिए आप ले लेना। मैंने यहाँ पे सिल्वर कलर वाला यूज़ किया है। तो आपको लंबा सा वायर कट कर लेना है और फिर उसमें डालना है पर्ल्स। पाँच वाइट पर्ल डाल दो और उसे ट्विस्ट कर देना है, ठीक है, जैसा वीडियो में है वैसा। अगर देर से समझ आ रहा हो तो आप पॉज कर लो या स्लो कर लो। पर्ल्स डालने के बाद आपको 5 से 6 बार तक ट्विस्ट करना है। इसके बाद आपको एक वायर में 5 पिंक कलर की बीट्स डालनी है, ओके, और उसे भी ट्विस्ट कर देना है। और उसके बाद आपको जस्ट अपोजिट एक बार और पिंक कलर के 5 बीट्स डालने हैं और ट्विस्ट करना है। इसके बाद सबको इकट्ठा 3 से 4 बार ट्विस्ट कर देना है, फिर हमें रिपीट करना है। पिंक डाला था, इसके बाद फिर से वाइट कलर के बीट्स डाले हैं दोनों साइड, फिर ट्विस्ट किया है, फिर पिंक कलर को रिपीट किया है। यहाँ पर आप डिफरेंट कलर्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसी आपकी ड्रेस हो वैसा, ओके। क्योंकि मैं यहाँ पर ज़्यादा बड़ी हेयर एक्सेसरी नहीं बना रही हूँ, इसलिए मैंने कम ही स्टेप्स किए हैं इसके। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना और शेयर भी। और अगर भी वीडियोस देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पूजास कैसल। अब हमें यहाँ पर लास्ट स्टेप करना है। इसके लिए मैंने 5 पिंक बीट्स लिए हैं और उसे भी ट्विस्ट कर दिया है, लेकिन इस बार इसे साइड में नहीं रखा है, इसे सेंटर पर रखा है मैंने। आप इस वायर को थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड कर सकते हैं और जैसा आपको शेप चाहिए इसका आप वैसे बना सकते हैं। और आप मुझे कमेंट में ये भी बता सकते हो कि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए। वैसे ये हेयर एक्सेसरी बनानी बहुत आसान है। आप इसके लिए ट्रांसपेरेंट बीड्स का यूज़ करके और लॉन्ग वाले बीड्स का यूज़ करके बहुत ही अच्छी हेयर एक्सेसरी बना सकते हैं। इससे आप अपनी कोई भी हेयर स्टाइल को अच्छा लुक दे सकते हैं। आप देखेंगे ये काफ़ी ट्रेंड में है। इसके बाद जो थोड़ा सा वायर बचेगा उससे हमें लूप बना लेना है एक छोटा सा, और बाकी के वायर को कट कर देना है। वायर को अच्छे से सिक्योर करना है जिससे ये आपके बालों पे ना फंसे। नीचे साइड आपको जूड़ा पिन लगा लेना है या फिर कोई क्लिप, और ऊपर साइड भी आप ऐसे ही क्लिप या जूड़ा पिन से सिक्योर कर सकते हैं। पर मैंने लूप नहीं बनाया है, इसलिए आप इसके बीच वाले वायर में भी डाल सकते हैं। तो है ना, इसे बनाना काफ़ी आसान और ये देखने में भी कितना प्रिटी लगता है। यहाँ पर मैंने इसे सिंपल पोनीटेल में स्टाइल किया है। आप एक अच्छी से हेयर स्टाइल बनाओ और उसके साइड में इसे लगाओ, काफ़ी प्रिटी लगेगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।